हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हर रोज़ की तरह साइंस के ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंबाइंड क्वेश्चन आपको इस क्लास में आप देने वाले हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपको सभी एग्ज़ाम का जो साइंस का कंटेंट है आपको इस क्लास में मिलेगा वो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट। तो क्लास का जो टाइमिंग है सर, वो हमारा डेली यहाँ पर रहता है, और आपकी जो क्लास है वो शाम को 8 बजे यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। अगर आपका सर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को हमें शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको कर लीजिएगा। कौशल सर टेस्ट बुक नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ पर हमारे साथ, राइट। एंड देन अगर आप लोग कोई भी टेस्ट बुक से कोर्स परचेज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, तो आप उस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप एक कूपन कोड यहां पर अप्लाई KAUSHA, राइट। साइंस के क्वेश्चंस की हम लोग यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन हम है, ठीक है। बाकी मेरा नाम है कौशल केसर रशिद, रिसर्च स्कॉलर, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आपके लिए। सर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न है, आपसे बोला जा रहा है उपग्रह का जो संचार होता है उसके लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट को हम लोग बोलते हैं परावैंगनी, ठीक है ना, परावैंगनी। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगें, और मिलीमीटर वेव, ठीक है। ये मिलीमीटर वेव कौन सी, मिलीमीटर वेव तो नहीं, तो भाई ये कुछ और होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, और इन तीनों ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना है कि आपका सही जवाब क्या, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव हैं सभी को मेरा नमस्कार। क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी जी। प्लीज़ बताएं आंसर क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। इस प्रश्न का जवाब आपका क्या हो जाएगा, देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ पर बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर ईएम वेव की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है ईएम वेव जो होती हैं वो हमारी नॉन मैकेनिकल वेव होती है। जो हमारी ईएम वेव होती हैं वो हमारी नॉन मैकेनिकल, वो हमारी चुंबकीय तरंगें होती हैं, यानी कि अयांत्रिक तरंगें होती हैं ना। ये हमारी कैसी होती है, अयांत्रिक। सर जब हम इनके टाइप की बात करते हैं, ये बेसिकली 7 टाइप इनके होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है गामा रे। देखो मैं इनको डेली बताता हूँ आपको, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इससे आता ही है, और आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब भी बात हो रही है तो आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाए, ठीक है। ये बात कन्फर्म है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाए, ठीक है। सर पहला होता है आपका गामा रे, उसके बाद में आता है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, गामा रेज के बाद में आती है आपकी एक्स रेज, ठीक है ना। गामा रेज के बाद में आती है रेज, एक्स रेज के बाद रेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद में आती है विजिबल रेज, ओके। आती हैं रेज आती हैं, में आती हैं आपकी इंफ्रा रेड रेज, आईआर रेज, इसके बाद में आती हैं आपकी माइक्रोवेव्स, इसके बाद में आती है आपकी माइक्रोवेव्स, और लास्ट में आती हैं आपकी यहाँ रेडियो, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टोटल 7 वेव्स हमारी यहाँ पर हैं, और आपको फिर से इस प्रश्न को दोहराना है, फिर से आपको इस प्रश्न देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उनमें से किसका प्रयोग हम सैटेलाइट के लिए कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पर, देखो जो गामा रे है, ये जो गामा रे है इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी भी सबसे। लेकिन जो हमारी रेडियो वेव है
इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इस जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो एनर्जी है वो दोनों कम होती है। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, और आप सुन रहे हैं 9.7 FM, सुनाओ लाइफ बनाओ। तो दिस इज़ द चैनल ऑफ ए रेडियो प्रोग्राम 92.7 FM या 101 Hz आप सुन रहे हैं एक हमारा प्रोग्राम दिल से दिल। तो ये जो प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं या जो रेडियो स्टेशन से जो बातें यहाँ पर हो रही, फ्रीक्वेंसी आप देख लो बहुत कम है, 90 Hz, 85, 95, 102, 106। तो दिस इज़ ए रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी की रेंज है। इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत कम है तो इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका जो कम्युनिकेशन वो बहुत दूर तक जाता है और चैनल बहुत दूर से उसको पकड़ता है आसानी के साथ में। ऐसे ही जब हम सैटेलाइट के लिए कम्युनिकेशन जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम इसी को मैग्नेटिक वेव यूज करते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर हम रेडियो वेव का यूज़ ना करके माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपको माइक्रोवेव ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वेवलेंथ राइट। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो हमारा सोलर सेल होता है यानी कि जो सौर सेल होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, वो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर काम करते हैं या फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं या फिर वो फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पर काम करते हैं या फिर वो फोटोसिंथेसिस पे काम करते हैं। दीज आर फोर प्रिंसिपल रिलेटेड टू योर साइंस। तो ये साइंस में ही आपके चारों प्रिंसिपल आपके आते हैं, लेकिन आपको बताना है कि जब बात सोलर सेल की होती है तो सोलर सेल किस प्रिंसिपल। तो बिफोर गोइंग ऑन द दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सोलर सेल एक्चुअली। तो आप लोग जानते हैं हर किसी के यहाँ पर सोलर सेल आजकल, ठीक है ना। तो सोलर सेल को हम लोग बोलते हैं सौर सेल, ठीक है ना, या फिर सौर ऊर्जा के नाम से भी। एक्चुअली छत पर एक इस तरह की प्लेट आपकी लगी रहती है और इस पर इसको एक एंगल पर भी लगाया जाता है, जिस तरफ सूरज की किरणें जाती हैं उसी तरफ इसको बैंड कर दिया जाता है। एक्चुअली ये एक सेमी कंडक्टर से मिलकर के बनती है, ये सेमी जो प्लेट होती है ये सेमी कंडक्टर से मिलकर है, हिंदी में इसको बोला जाता है अर्धचालक, ठीक है ना। ये अर्धचालकों से मिलकर के बनती है और यहाँ पर जब हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं ये हमारे सिलिकन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकन और जर्मेनियम जो है ये हमारे प्योर सेमी कंडक्टर हैं, ठीक है ना, ये हमारे प्योर सेमी कंडक्टर हैं, इनसे मिलकर के ये बनती है। सेमी कंडक्टर से ही हम इसको क्यों बनाते हैं, तो जब हम इस पर हल्की सी एनर्जी डालते हैं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एनर्जी को स्टोर्ड कर लेते हैं, एक बैटरी के फॉर्म में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक सोलर सेल एक ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पर हम सन से, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली जो हमारी सन एनर्जी है वो तो कन्वर्ट कर रहे हैं, सन एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, सौर सन एनर्जी को, सौर ऊर्जा को। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस इफेक्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हालांकि अगर ये बात आती है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो देखो इससे रिलेटेड भी आपके दो क्वेश्चन आते हैं। अगर इसकी डिस्कवरी की बात आती है, पहले इसका आंसर देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसको क्या बोला जाता है सर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमें। और डिस्कवरी जो इसकी की वो हॉल वॉश ने की, हॉल वॉश एंड हर्ट्ज, इन दोनों के दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया था, हॉल वॉश एंड हर्ट्ज के दिमाग में एक आइडिया। लेकिन इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किया था वो क्लासिकल थ्योरी से किया था, इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, बस साइंटिस्ट रहे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और इसी के लिए इनको 1905 में नोबेल प्राइज दी, ठीक है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसका कौन सा हिस्सा ऐसा है जो हमारे आंतरिक भागों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ऐसा काम स्पाइरल कोर करता है या सेरिब्रम करता है या सेरिबेलम करता है या फिर मेडुला ओब्लोंगाटा करता है। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा कौन ये काम करता है,
मेरु रज्जु, मेडुला मतलब मेरु रज्जु इसको हिंदी में जी बताए। तो तंत्रिका तंत्र के कौन सा हिस्सा ऐसा है जो आंतरिक भागों की गतिविधियों नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है? प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट लाइव है। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन? तो इसका सही जवाब आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला जो है वो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना, मेरु रज्जु जो होता है वो इसको कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, द मटेरियल फॉर रेन प्रूफ, मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स, यानी रेन प्रूफ कोट और जो टेंट होते हैं कौन, यहाँ पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट, वन इज रेन प्रूफ, सेकेंड वन इज कोट एंड टेंट, ऑन देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू। आपसे बोला जा रहा है कि जो रेन प्रूफ कोट या फिर टेंट होते हैं उनके लिए जो सामग्री, जो मटेरियल उनके पानी के प्रमाण के गुणों को छोड़ देता है, यानी कि पानी के प्रमाण के गुणों का मतलब समझ रहे हो कि जैसे ही हमने रेन प्रूफ कोट पहना हुआ है बारिश आ रही है पानी अंदर जा रहा है, इसका मेन फिजिक्स का कौन सा गुण है जिसकी वजह से पानी आपकी शरीर पहुंच पा रहा है, क्या वो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है, या फिर विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है ना, विशिष्ट गुरुत्व के कारण ऐसा हो, या फिर इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता के कारण है, या फिर प्रत्यास्थता के कारण। आंसर बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, मटेरियल फॉर द रेन प्रूफ कोट एंड टेंट ऑन देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू, रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके लिए पानी के प्रमाण के गुणों को छोड़ देता है, यानी कि पानी के प्रमाण के गुणों का मतलब कि वो उस चीज़ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि पानी आया है जी। आंसर दीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो, प्लीज कौन इसका सही जवाब देने वाले हैं जी, बताएं सही जवाब क्या हो, प्लीज प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइएगा सही जवाब क्या हो। तो देखो आप लोग एक बात जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, ये मैं थोड़ा आपको माइक्रोस्कोपली दिखा रहा हूँ, माइक्रोस्कोप लेवल देखेंगे तो इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, और जो ड्रॉप है वो कुछ इस तरीके से, ये पानी के ड्रॉप इसके अंदर तो जाएगी नहीं, पानी के जो ड्रॉप है एक्चुअली है ना, पानी की जो ड्रॉप है वो पूरा एकदम ऐसे करके रोल बनाते हुए निकल जाएगी, रोल बनाते हुए पानी की ड्रॉप अगर निकल रही है तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों, जब भी हम ड्रॉप की बात यहाँ पर करते हैं, जब भी बात हम यहाँ पर बूंद की करते हैं तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स यहाँ पर लगता है, इस सेंटर की तरफ यहाँ पर एक फोर्स लगता है, ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। एनीवन टेल मी व्हाई वी आर सेइंग दिस इज ए कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स एक तरफ के एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एडहेसिव फोर्स अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल। आपको पता है जैसे हम कांच के गिलास में पानी पीते हैं तो पानी चिपकता नहीं है, स्टील के गिलास में पीते पानी चिपकता है, वहाँ डिपेंड करता है कि वो जो एंगल है क्या बना रहा है और वो कौन किस पानी के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल वैसे ही जो रेन प्रूफ कोट होते हैं उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो बिल्कुल ठीकगा, क्योंकि तो वहाँ पर जो इफेक्ट वो क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सही जवाब है आप, करेक्ट ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर पर राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन द नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, यानी कि आपका एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व, एक्चुअली एक ऐसा तत्व डज नॉट अकर इन नेचर, यानी कि जो प्रकृति में नहीं होता है, डज नॉट अकर नो प्रेजेंस नहीं है उसकी, नेचर में प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रहा है आपको, बट कैन बी प्रोड्यूस बाय द आर्टिफिशियली, एक ऐसा मटेरियल है हमारा, एक ऐसा एलिमेंट है एक्चुअली हमारा जो नेचर में हमें नेचुरली नहीं मिल रहा है, हमें नेचर ने नहीं दिया है लेकिन उसको हमने खुद आर्टिफिशियली क्या है क्रिएट किया, ठीक है ना, वो भी कृत्रिम आर्टिफिशियली उत्पन्न किया ना, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या फिर ये,
बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चार में से आपके कौन से तीन एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो आपके नेचुरली एग्जिस्ट, जो आपके नेचुरली एग्जिस्ट, जिनका नेचुरली एग्जिस्टेंस यहाँ पर होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व, ठीक है ना, जिनका, या तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि तीन का प्राकृतिक रूप से अस्तित्व है, यानी कि नेचुरली हमें मिल रहे हैं। और जैसे ही आप ये चीज़ पता करेंगे तो इसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा ठीक है, तो नेचुरली क्या होगा। देखो थोरियम हमें नेचुरली मिलता है, रेडियम भी हमें नेचुरली मिलता है, और जो हमारा क्या है यूरेनियम है ये भी हमें, ये जो आप नंबर आप लोग जानते हैं रेडियम जो है वो चमकता है अंदर एटनेसिस के, और ये हमारा TIR प्रिंसिपल बेसिकली आप लोग देखते हो जो आजकल जो मूर्तियां ज़्यादातर जो मिलती हैं वो रेडियम की होती हैं जो अंधेरे में चमक, ये जवाब है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जाए, ठीक है ना, अगर आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस। जैसे ये अर्थ है और ये अर्थ का क्या है एटमोसफेयर है, इसमें सन से कुछ रेज यहाँ पर आती है, सन से रेज आती हैं लेकिन जैसे ही इनका रिफ्लेक्शन होता है तो ये जा नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन की कुछ लेयर्स हैं, द लेयर्स ऑफ पॉल्यूशन के लेयर की वजह से ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है, परफेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं है, तो जो हीट है वो यहीं पर बार बार आती रहती है जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 के समथिंग अर्थ का जो नेचुरल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीत जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉल्यूशन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज विद द टाइम। ओके, सो लॉट ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट इन देयर एटमोसफेयर, दे रिस्पॉन्सिबल टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट और पॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम इनकी प्रेजेंस देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, तो आप लोग जानते हो जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये सभी क्या करते हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही ये शो करते हैं ना, इनके ही कारण होता है। लेकिन हमारा कहा जा रहा है एक्सेस किस चीज़ की ज़्यादा हो जाने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो उत्पन्न हो रहा है, इसका उत्पादन यहाँ पर होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड के हो जाने से या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हो जाने से या कार्बन मोनोऑक्साइड के हो जाने से या फिर मीथेन के हो जाने से, सबसे ज़्यादा मात्रा यहाँ पर किसकी, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी उत्पन्न यहाँ पर मीथेन CH4। देखो सबसे ज़्यादा होता है CH4, उसके बाद में आता है आपका CO2, उसके बाद में आपकी बाकी चीज़ छोट हो गया है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें बाद में। लेकिन जब परसेंटेज के बीच में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम परसेंटेज, जो मैक्सिमम जो मेन रोल प्ले कर रहा है इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो गैस है हमारी कौन सी, मीथेन गैस, राइट, एंड सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, राइट आंसर। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेबल, ठीक है, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेबल है, पेपर, DTT, DDT या फिर एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक। तो देखो दो तरीके के हमारे मटेरियल्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर मटेरियल्स की बात करें जो मटेरियल्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल और दूसरे वाले होते हैं हमारे नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनको जीवाश्म खुद खत्म कर दें, जिनको जीवाश्म खुद खत्म करें, खुद खत्म कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े खाकर उसको खत्म कर दें, और जिसको कीड़े मकोड़े खाकर भी खत्म ना कर, जैसे पॉलीथिन मुक्त विश्व बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉलीथिन, पॉलीथिन का यूज नहीं होना चाहिए, पॉलीथिन का ये नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉलीथिन एक ऐसा पॉलीमर है, एक ऐसी एथिलीन है इसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खत्म ही नहीं, एज बहुत ज़्यादा है,
एक बार अगर ये पॉलीथीन बन गया तो खत्म नहीं होगा भाई, ये हमारा कैसे किस में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पर तो जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, मोस्टली वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म ही नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, मोस्टली यही पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। पॉल्यूशन इंक्रीज करने का जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो प्रदूषण यहाँ पर बढ़ रहा है, उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि लॉट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो है यहाँ पर, राइट, जैसे पेपर, डीटीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, तो ये तीनों हमारे क्या है, नॉन डिग्रेडेबल, ये तीनों हमारे क्या है, नॉन डिग्रेडेबल। और जो पेपर है इसको आसानी से खत्म किया जा सकता है, खत्म हो जाएगा वो पेपर, क्या है, बायोडिग्रेडेबल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, यानी आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट, बट वो तो हमें नेचर में नेचुरली मिल रहे हैं, बट जो प्लास्टिक है ना, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, वो तो हम खुद आर्टिफिशियल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, वो खत्म है, पॉलीमर का यूज कर, ठीक है, ये जवाब है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एसिड रेन, है ना, अम्ल वर्षा भी बोलते हैं, एसिड रेन को अम्ल वर्षा भी बोला जाता है। तो जो एसिड रेन होगी, दिस इज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर बाय, एसिड रेन जो होती है वो वातावरण के प्रदूषण के कारण होता है, क्योंकि ये ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ, PO3, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस पी 15-3, ठीक है, PO3, P2O3, ठीक है ना, या सिर्फ हम इसको PO3, PO2 बोले, ठीक है, एंड दिस इज NaOH, जी बताएं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हाँ भाई, इसमें हमारा क्या हो जाएगा बताएं। तो देखो, जब भी एसिड रेन की बात आ रही है, तो एसिड रेन का मतलब ये है कि इसमें ऐसा मटेरियल तो होगा कि जिसकी नेचर एसिडिक होगी, इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट रहेगा, नेचर एसिडिक, इसकी नेचर हमारी यहाँ पर कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी, यानी कि अम्लीय रहेगी, ठीक है ना, अम्लीय रहेगी। तो एक्चुअली इसमें जो प्रेजेंस रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है और NO2 है, NO2 है एंड SO2 है, NO2 है, PO2 है। तो आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिड रेन की जो नेचर शो कर रहे हैं वो कौन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। और अगर इनमें भी अलग अलग देखा जाता तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है तो वो है आपका, फिर उसके बाद में आप, तो आपको एक सीक्वेंस भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते, देखो ग्रुपिज्म में अगर आपका क्वेश्चन आ गया जैसे ये आ गया, तब तो आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग सही करेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि यार एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन रोल प्ले, फिर आपका आंसर हो जाएगा, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड, यानी कि अगर हमारे पास में एक मिक्सचर है, देखो ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप कोई भी एग्जाम देते हैं टीचिंग का उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलता है भाई साहब, ये रामबाण वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका रामबाण वाला क्वेश्चन है ना, ये रामबाण वाला क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा। तो आपको बताना है कि जब वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है, एक ग्लास है ये, ठीक है भाई, आपका ग्लास है तो भैया, ठीक है भाई, ये वाला शराब का ग्लास, ठीक है, और ये इस तरीके से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं ना, उनका मानना ये होता है कि जब जैसे हम इसको हाथ से पकड़ेंगे, अगर मान लो एक ये वाला ग्लास है, ठीक है, एक देसी ग्लास है, इसे पकड़ा और आपने, ठीक है, जो भी ड्रिंक करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप ऐसे पकड़ेंगे हाथ से तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ये गर्म हो जाए, तो फिर आइस के जो टुकड़े डाले हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो इतना मज़ा नहीं देगा, ऐसा मानना होता है इन लोगों का। तो ये यहाँ पकड़ते हैं, शराब इसके कॉन्टैक्ट में नहीं होनी चाहिए, जो अल्कोहल है वो इसके कॉन्टैक्ट में ना हो, इसमें आइस के टुकड़े पड़े रहते, उसका टेम्परेचर जो काफ़ी देर तक मेंटेन, ठीक है, इसमें शराब है और प्लस पानी है, इसमें क्या है हमारी अल्कोहल, अल्कोहल है प्लस इसके अंदर क्या है वाटर है, और आप इनको अब अलग अलग करना चाहते हैं, कौन सी प्रोसीजर आप यूज़ करें, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, या फिर डिसेंटेशन, या डिकेंटेशन, या फिर डिस्टिलेशन, आश्वन विधि, तो कौन सी मेथड है इसको यूज अलग अलग करने के लिए हम
तो देखो फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, इवोपरेशन मतलब गर्म करके तो इसको निकालेंगे नहीं तो ये वाला होगा नहीं। फिल्ट्रेशन मतलब जैसे चाय को चाय की पत्ती से चाय बनाते हैं तो उसको अलग करना, फिल्ट्रेशन नहीं। डिकेंटेशन प्रोसीजर क्या होता है, सिंपली इसको हम रख दें और पानी इसका नीचे रह जाए और शराब ऊपर आ जाए, ऐसे नहीं होगा। तो इसको डिस्टिलेशन मेथड से ही हम बाई यूजिंग कीप फनल का यूज़ करके हम इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। कीप फनल या डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको दूर करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट स्प्रीड पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका ऐसा है, कौन सा तत्व तो ऐसा है जो हमारा नहीं कर रहा है कौन पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं देता है या प्रदूषण नहीं फैला रहा है। कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक और निकेल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रदूषण नहीं है, जो किसी भी तरह का पॉल्यूशन यानी नहीं दे रहा है। तो आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि यार आप लाइफ में किस एलिमेंट को मेनली यूज़ कर रहे हो जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा उसके, हाँ भाई आपको ये देखना पड़ेगा, बताएं। तो देखो कैडमियम, आर्सेनिक और निकल ये तीनों ही जहरीले होते हैं, पॉइजनस हैं, ठीक है भाई, ये पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, टॉक्सिक बोल सकते हो आप इनको, ठीक है ना, ये जहरीले हैं। लेकिन जो कॉपर है वो किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं देता है, या इनको बोल सकते हैं विद पॉल्यूशन, ठीक है ना, विद पॉल्यू या पॉल्यूटेंट आप बोल सकते, जैसे भी आप बोलना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द एसिड फाउंड इन विनेगर, यानी कि जो सिरका होता है, सिरका जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक, सिट्रिक, मैलिक या एसिटिक है। देखो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन जी, ये वाला आंसर बताइएगा, कौन सा एसिड पाया जाता है, बताएं कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है सिरका में, विनेगर में कौन सा एसिड यहाँ पर पाया जा रहा है जी, बताएं। देखो बताओ, लैक्टिक एसिड आपका मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना, तो पहला आंसर गलत। सिट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है, ये भी गलत। मैलिक एसिड जो होता है वो आपका चींटी के डंग में पाया जाता है, मैलिक एसिड है ना, चींटी के डंग में पाया जाता है, ठीक है। आपका सही जवाब है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, विनेगर के लिए, सिरके के लिए, आम का, नींबू का अचार डालने के लिए भी हम उपयोग कर लें, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका, फोटोसिंथेसिस अकर्स, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में या फिर पेरोक्सोफोम में। हाँ भाई, पेरोक्सो या पेरोक्सीसोम, हाँ भाई बताइएगा। तो फोटोसिंथेसिस किस में होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर पेरोक्सीसोम। तो सही जवाब क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस इंटरव्यू के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस, क्योंकि तो छोटे बच्चों को फोटोसिंथेसिस वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, और वो आपको पूरा पिक्चोरियल फॉर्म में पूरे पिक्चर्स ड्रॉ करके आपको बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज, द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज एनुकेटेड, है ना, यानी कि जो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा एनुकेट किया गया था, स्वीकार किया गया था, सी वी रमन, भावा साहब या चंद्रशेखर या फिर खुराना सर। हाँ भाई बताइए, ब्लैक होल थ्योरी, ये सबसे पहली बात है, इस सारे के सारे हमारे इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिजिसिस्ट है, ठीक है ना, इंडियन फिजिसिस्ट हैं, ठीक है ना, ये भारतीय भौतिक शास्त्री हैं। और इनमें जो ब्लैक होल थ्योरी की जो बात की गई, ब्लैक होल थ्योरी की जब बात की गई तो इन्होंने अपनी एक लिमिट भी दी थी, ठीक है ना, उसको बोला गया चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। एक्चुअली जो चंद्रशेखर लिमिट है वो एक पर्टिकुलर इन्होंने टाइम दिया और इन्होंने बोला कि इतने टाइम के बाद में जो सन है वो एक दाना बन जाएगा, एक रेड गेंट बन जाएगा, है ना। इनका नाम क्या था, चंद्रशेखर सर,
इनकी टेंथ में हमने फिजिक्स की बुक भी पढ़ी थी। आप लोग देख सकते हो एस चंद्रशेखर सर की कुछ बुक्स जो है पब्लिश हुई थी हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड में टेंथ क्लास में, तो उनको मैंने पढ़ा था, बहुत बढ़िया थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की किताब और बहुत ही शानदार बुक थी, है ना, बहुत ही शानदार फैंटास्टिक बुक ना। अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतर बुक है वो, ठीक है, बेटर जिसको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। सारे क्वेश्चन एकदम नए थे, काफ़ी जल्दी में हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, सारे कंसेप्ट हमने आपको बताए, बात करेंगे हम कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से कोई भी कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप 25 से 35% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप एक कूपन कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, AAUSHAL आप अप्लाई करेंगे और उसके विहार पे आपको 25 से लेकर 35% का डिस्काउंट। आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कौशल सर। आप अपने क्वेश्चंस भेजें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड आप वहाँ पर। थर्ड वन इज क्लास की जो टाइमिंग है वो शाम को 9 बजे की रहती है, सॉरी 8 बजे आपकी इस क्लास की टाइमिंग रहती है, 8 बजे आप इस चैनल पर आएंगे और साइंस के सारे क्वेश्चन के डाउट का सोल्यूशन आपको यहाँ पर एक विद डिटेल्ड सोल्यूशन के। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।